शिवराज जी ने जो योजनाएं डाले अभी, जैसे लाडली बहना उतार दी उनने, केंद्र से बड़े बड़े मंत्रियों को उतार दिए है ना, जो स्थानिक नेताओं को उनने भाव नहीं दिए, तो इस पर से आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी डर गई है? बीजेपी तो डरी डुराई है ना, राज्य की भी बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी बनेंगे, कमलनाथ जी बनेंगे पूरा राज्य में, लग रहा है पूरे राज्य में। कितनी सीट आ सकती है? 150, हम तो मानते 150 आना चाहिए, 150 सीट आ सकती है। दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता आज पहुंचा है खारा ग्राम में, और ये गांव आता है परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। यहां पर अब मुश्किल से 10 दिन बचे हुए चुनाव के लिए, 17 तारीख को यहां पर चुनाव होना है, और आज का छत्तीसगढ़ में पहला फेज 7 तारीख को आज वहां पर वोटिंग शुरू है छत्तीसगढ़ में। तो यहां पर हम आज जानना चाहेंगे कि माहौल क्या है, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे पास में आ रहा है वैसे वैसे लोगों का जो माहौल है गर्म होते हुए नज़र आ रहा है। अब यहाँ से जो कांग्रेस प्रत्याशी है, जो मेरे पीछे आप गाड़ी देख रहे हैं, मधु भगत जी है, और जो बीजेपी से है, जो पहले के विधायक है और वर्तमान में मंत्री है, आयुष मंत्री नानू कावरे जी। अब जनता इनका डिसीजन करेगी, और कुछ स्वतंत्र लोग हैं, और एक आम आदमी पार्टी से भी यहाँ पर एक उम्मीदवारी दी गई है। तो अब लोगों से जानेंगे कि क्या शिवराज के राज में लोग, जनता खुश थी क्या? इसके पहले 18 महीने का जो कार्यकाल था कमलनाथ जी का, तो उस टाइम में लोगों को अच्छा था। तो हम दोनों पे चर्चा करेंगे, और अभी तक जानकारी मिले कि बीजेपी ने अभी तक के मुख्यमंत्री का चेहरा निश्चित नहीं किया है, क्योंकि कांग्रेस में केवल सिंगल एक ही कमलनाथ है, और बाकी अभी बीजेपी का जो भी जानकारी अभी गुप्त रखी गई है। बताया जाता है कि प्रहलाद पटेल भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, विजय वर्गीय भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन शिवराज जी का नाम मोदी जी ने अभी तक के नहीं लिया है। तो यहाँ बहुत से लोग खड़े, तो इनसे हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि इस बार का माहौल क्या हो सकता है। दादा कौन से गांव से बजा रहे हैं आप? मोगाव से। मोगाव से, ये मोगाव कला। अच्छा, ऐसा देखेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल देखो नहीं, आप यहाँ खड़े रहो ना, वो कैमरा है। अच्छा अच्छा, हाँ ऐसे खड़े रहेंगे जी जी। तो अभी माहौल क्या है बोल रहे हो, 10 दिन बचे हैं? माहौल माहौल बीजेपी भाजपा का भी है और कांग्रेस का भी है, दोनों का चल रहा है, टक्कर है दोनों की, टक्कर है। तीसरा हाँ। कोई नहीं इस बार? नहीं नहीं नहीं, नहीं दो ही चलते हैं, बिल्कुल। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, बिल्कुल। अच्छा हाँ, तो चलो अच्छी सूचना दी है, कुछ लोग खड़े हैं यहाँ पर। और तो कहाँ से भी है आप लोग? हम दो रहते हैं गुंगली। गुंगली से? हाँ जी। तो क्षेत्र कौन सा आता है आपका? परसवाड़ा। परसवाड़ा क्षेत्र। तो हम जानने आए थे कि 10 दिन बचे अब चुनाव को, है ना, तो सब जगह तो सुनने मिल रहा है बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस। हाँ जी। लेकिन इस बार आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए इस बार? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। हाँ। क्योंकि इसके पहले 18 महीने रहे थे कमलनाथ जी। हाँ जी। है ना, और इस बार जो जो शिवराज जी थे। हाँ जी। तो इसमें क्या हो रहा है, वो कैमरा है ना, तो इस बार आपको क्या लगता है कि कमलनाथ जी बैठेंगे या शिवराज बैठेंगे? चलो परसवाड़ा तो बोल दिया कांग्रेस आपने, कमलनाथ जी। राज्य की भी बात कर रहे हैं? कमलनाथ जी बनेंगे। कमलनाथ जी बनेंगे पूरा राज्य में, लग रहा है पूरे राज्य में। कितनी सीट आ सकती है? 150, हम तो मानते 150 आना चाहिए, 150 सीट आ सकती है। यानी भगत जी का माहौल गर्म है? भगत जी का माहौल गर्म है, वो जीतेंगे भारी, वो तो जीतेंगे। अच्छा काम है उनका, बहुत बढ़िया काम। वो विधायक रहे, कभी भ्रष्टाचार नहीं किए, उनका पेट भरा हुआ है। जब इतने अच्छे आदमी को फिर चुनाव कैसे हराया आपने पिछली बार? नहीं वो तो हार जाता है, हो जाता है, किस्मत का सवाल रहता है। तो हम ही लोगों ने हराए होंगे ना, जनता ने हराई ना, कोई तो फिर से याद आ गई उनकी, कोई कमी रही होगी है ना। याद आई। देखो ये वाला तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जो आपका गाँव है, बीजेपी वहाँ सबसे आगे रहती है। तो इस बार नानू कावरे जी से नाराज क्यों आप? फिर नाराज नाराज है, जिसने हमारे गंगा जी की रेत बेच के विदेश तक के बेच चुका, इसीलिए हमारे को नाराज। हम गांव के करीब रहने वाले को रेत नहीं मिल रही है। अच्छा, उनके गुंडे मार रहे थे, हमको तो हमारे गांव की रेत हमको फ्री में मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो ये आपके ऊपर झंडा है पंजे का, इसलिए जोर से बोल रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, झंडा का सवाल नहीं है। जो जब हमने हमारे हमारे खेती और हमारे रेत की रेत बेच करके विदेश बेच रहा है। माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल सीएम राज की घोषणा की है, बालाघाट जिले में 5 स्कूल चल रहे हैं, बिल्कुल एक राजेगांव में चल रहा है। ये तो किरनापुर का था ना, राजेगांव का, किरनापुर में क्यों नहीं बना? एक बालाघाट में था, बालाघाट का लेंडेगिरी क्यों हो गया? तो वो उसकी छोड़ो, हमारे यहाँ से खारा प्लस मोहगांव, यहाँ से कम 60 से 70 बच्चे जा रहे हैं,
हम अपने वाहन से प्राइवेट बस बना के या गाड़ी बना के उनको बच्चों को भिजवा रहे। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि वाहन की व्यवस्था करेंगे। माननीय नानू कावरे जी अभी नवरात्र में मोहगांव आए थे, मन को एक ही शब्द पूछा तो बोले आवंटन हुआ है। कब तक होएगा? आज 2 साल होने लगा, तुम घोषणाएं करते रहे रहो। ये तो पालक लोगों पे खर्चा बैठ रहा है ना। आज कोई गाड़ी से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, कोई प्राइमरी में पढ़ रहा है, किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर जा रहे हो, 10 किलोमीटर दूर जा रहे हो, समझे? उसकी तुमने घोषणाएं कर दी, क्यों नहीं बोले बीच में? यहाँ हमारे यहाँ से मोहगांव से कम से कम 50 बच्चे जा रहे हैं प्राइमरी में, सीएम राइज में, रजेगांव जा रहे हैं। बरोबर। कोई साइकिल से छोड़ रहा है, कोई गाड़ी से छोड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही मुद्दा है आपका भी। चलो आपने बोलना चाहिए। हमारे नानो कावरे चेहरा दिखाओ। हाँ जी, अभी नानो कावरे जी जल संसाधन विकास मंत्री रहे हैं और हमारे मोहगांव से जो नहर है साढ़े का वो रोड 1 किलोमीटर है, लेकिन जल संसाधन मंत्री होते हुए वहाँ की रोड नहीं बनाए 5 साल में। तो अब मंत्री रोड अभी तो हाईवे 4 लेन का उद्घाटन कर दिया ना उन्होंने, तो मंत्री बने हैं जो कि हम मोहगांव वाले जनता जनता को खारा नेवर गांव साढ़े का जाना पड़ता है। हम लोग 12 किलोमीटर जाते हैं साइकिल से, जो कि 1 किलोमीटर रोड नहीं बना सका। तो काय का विधायक है ये, मंत्री है और ऊपर से मंत्री बना है, तो आप नाराज है उनसे? हम नाराज है तो उनके तो बहुत रोड नहीं बनी, उनके तो बहुत सी योजना चल रही ना, जबरदस्त योजना वही तो है ना, योजना से खुश नहीं है? योजना 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 देने से नहीं होता, कार्य करने से होता है। साहब से बात करेंगे थोड़ा सा। सर हम आए थे यहाँ पर एक माहौल जानने के लिए, अब 10 दिन बचा है मात्र चुनाव को, है ना, और धीरे धीरे माहौल गर्माते जा रहा है, तो वही पूछने आए थे डायरेक्ट बिल्कुल कि बीजेपी या कांग्रेस, क्षेत्र की बात करेंगे सर थोड़ा पहले। यहाँ तो अभी वर्तमान में कांग्रेस मधु भगत जी जीतेंगे और सरकार भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बन रही है। अच्छा, पूरा कपड़े ऐसा लग रहा है माहौल आपको? पूरा माहौल बिल्कुल। तो जैसे शिवराज जी ने जो योजनाएं डाले अभी, जैसे लाडली बहना उतार दी उनने, केंद्र से बड़े बड़े मंत्रियों को उतार दिए है ना, जो स्थानीय नेताओं को उनने भाव नहीं दिए, तो इस पर से आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी डर गई है? बीजेपी तो डरी डुराई है ना, क्योंकि इसके पूर्व में जनता ने कमलनाथ जी की सरकार बनाए थे, उसमें कमलनाथ जी की सरकार गिर गई। इन्हें खरीद फरोख्त के कमलनाथ जी के जितने भी लीडरशिप थे, उनको विधायक थे, उनको खरीद के इनने अपनी सरकार बनाई, इसलिए जनता परेशान है। जनता ने कमलनाथ जी पे विश्वास किए थे कि कमलनाथ जी अच्छी सरकार चलाएंगे, और स्वाभाविक बात है कि कमलनाथ जी बढ़िया सरकार चला रहे थे। ये इनने खरीद फरोख्त इनने सरकार गिराए हैं। हर जगह महाराष्ट्र में भी ऐसा ही किया इनने। वो तो ऑल इंडिया में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस संबंधित गठबंधन सरकार है, वहाँ सरकार गिराने का ही काम कर रहे हैं, रुपए के भरोसे, पैसे के भरोसे, खरीद फरोख्त के पूरे वो, और धमकी दे रहे हैं ये कि हम ईडी में फंसा देंगे, ये कर देंगे, धमकी देके सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी भूपेश बघेल जी को भी ईडी की धमकी आ रही है। सही है, भूपेश बघेल जी को ईडी की धमकी है, वहाँ दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, उनको भी धमकी दे रहे हैं लोग। उनका कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनका मंदिर वाला मुद्दा नहीं चल रहा है। देखो, अगर बात करें अपन देश में, तो इनके पास 400-500 विधायक से कम नहीं, हमारे पास कांग्रेस के पास 1400-1500 विधायक है, और इस देश में कांग्रेस भारी है। ये सिर्फ 4-5 प्रदेश में इनकी सरकार है, बाकी हमारे कांग्रेस की सरकार है और गठबंधन की सरकार है। और निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में ये तय मान लो, कमलनाथ जी के नेतृत्व में, दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन रही है, और पुनः कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और हमारे पास 160 से 65 सीट हम जीत रहे हैं।